पिछले 5 दिनों से लापता शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। शख्स का शव नहर में फंदे से लटका हुआ मिला है। परिजनों ने इस मामले में हत्या की आशंका जताई है। रेवाड़ी जिले के गाँव जैतपुर का रहने वाला 38 वर्षीय नरेश उर्फ पंछी गुड़गांव में टायर पंचर की दुकान चलाता था। बीते गुरुवार को वह घर से अचानक लापता हो गया। पहले तो परिजनों ने अपने स्तर पर उसे तलाशने की कोशिश की, लेकिन जब उसका कोई सुराग नहीं लगा तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। सोमवार दोपहर नरेश का शव ब्रिजपुरा नहर में फंदे से लटका हुआ मिला। बहरहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल पहुंचा दिया गया है और वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर बिल्कुल यही डेड बॉडी के देखने से पता चल रहा है कि इनको पहले फांसी लगाई गई है, उसके बाद लटका है। कौन था ये? मेरा साला लगता है सर, मेरे चाचा लगते थे और ये टायर पंचर का काम करते थे गुड़गांव। इनकी दुकान थी गुड़गांव में। बृहस्पतिवार सुबह निकले थे घर से दुकान के लिए, ना दुकान पे पहुँचे ना घर वापस आए। काफ़ी अपने स्तर पे काफ़ी तलाश की गई लेकिन नहीं मिले। आज इनकी डेड बॉडी गांव के पास ब्रिजपुरा गांव है वहाँ नहर में पेड़ के पास तिरछा लटका रखा था। आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की है जबकि ऐसा कुछ नहीं। क्या नाम है? इनका नाम नरेश कुमार उर्फ पंछी है और इनकी उम्र लगभग 38 के आसपास है। कहाँ, कौन सा गांव? गांव जैतपुर, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी। ऐसा लगता है देखने से तो एंड पोजीशन जब हम गए तो ऐसा लगा कि जैसे इनको पहले मारा गया और बाद में यहाँ ला करके लटकाया गया। आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। शरीर पूरा धरती में टिका हुआ है, जबकि फांसी धरती में टिकेगा तो फांसी नहीं लगा पाएगा बंदा अपने। रेवाड़ी से जाट टीवी न्यूज के लिए अजय अत्री की रिपोर्ट।